मिंट पार पैरिटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी ऑफ प्योर गोल्ड ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन्स ऑफ द करेंसीज ऑफ बोथ नेशन एंड इट इज कॉल्ड मिंट पार ऑफ एक्सचेंज। दिस मेथड इज कॉल्ड मिंट पार पैरिटी थ्योरी। टकसाली समता सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर दोनों देशों की मुद्राओं के प्रमाणिक सिक्कों की विशुद्ध स्वर्ण की समानता स्थापित करके प्राप्त की जाती है और इसे विनिमय दर का टंक समता सिद्धांत कहते हैं और इस विधि को टंक समता सिद्धांत कहा जाता है। तो ये तो हमारी थ्योरी का अर्थ हो गया है, मीनिंग हो गया है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी। जैसे कि मान लो अगर हमें $1 इज इक्वल टू कितने रुपए चाहिए, अगर वो कैलकुलेट करना है, फॉरेन करेंसी को कांस्टेंट रख के इंडियन करेंसी की वैल्यू उसमें मालूम करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में उसमें कितना स्वर्ण आता है, सोना, जैसे कि फॉरेन करेंसी हमने यूएसए डॉलर लिया, तो एक यूएस डॉलर में कितना ग्राम सोना आएगा अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी। स्वदेशी करेंसी मतलब इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी की एक यूनिट में यानी कि एक रुपये में कितना गोल्ड आएगा। तो ये इस मेथड से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू कितनी स्वदेशी करेंसी के बराबर वो होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम सपोज़ ये लेते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड प्रीवेल्स इन इंडिया एंड यूएसए, भारत में और अमेरिका में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि स्वर्णमान प्रचलित है, ठीक है। नाउ इंडियन रुपीज़ कंटेन 5 grams ऑफ प्योर गोल्ड एंड यूएसए डॉलर कंटेंट 10 grams ऑफ प्योर गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का एक रुपया बराबर क्या वैल्यू हो गई, 5 ग्राम गोल्ड, ठीक है, और यूएसए के एक डॉलर में क्या आ रहा है, 10 ग्राम गोल्ड आ रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मिंट पार पैरिटी द एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। अब एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या था कि क्वान्टिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ फॉरन करेंसी, तो यूएस डॉलर में कितना आ रहा है, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम आ गया अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी, तो भारत के एक रुपए में आ रहा 5 ग्राम, तो 10/5 इज इक्वल टू, हमने इसको सॉल्व किया तो 2, तो ये 2 क्या है, $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। अगर हमें 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी जानना है, तो उसके फॉर्मूले में हमें पहले जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई में जितना गोल्ड आता है उसको ऊपर रख के उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई में कितना गोल्ड आता है। तो इस फॉर्मूले से हम विदेशी विनिमय दर ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमें ये मालूम करना होता है कि स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में विदेशी मुद्रा की कितनी इकाई मिलेगी, यानी कि 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, जो आप तो सिंपल सा याद रखो, जो बराबर के पहले आता है ना, उसको हम उसकी देश की मुद्रा की एक इकाई में जितना गोल्ड आता है उसको ऊपर रखेंगे और बराबर के बाद वाले को नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी यानी कि स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई में जितना गोल्ड आता है अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की एक इकाई में आने वाले गोल्ड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो वही वाला एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि भाई भारत के एक रुपये बराबर 5 ग्राम सोना है, तो 5 ग्राम अपॉन यूएस डॉलर के एक डॉलर में 10 ग्राम सोना था, तो 5/10, तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा, 0.5, आधा रुपया, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू आधा डॉलर, $0.5, ये एक्सचेंज रेट हो जाएगी। तो इस मेथड से हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण टकसाली समता सिद्धांत के अनुसार इस तरीके से होता है।